कवि साहब नज़र आए तो ऐसे लगता है कि अदाकारी का एक पहाड़, एक मीनार, एक मशल गुजर गई, सारी ज़िंदगी मुख्तलिफ किरदार निभाते निभाते गुजर गई। कौन सा किरदार अच्छा लगा या अपनी ज़िंदगी के करीब लगा? ज़िंदगी के करीब तो मेरा ख्याल आखिरी किरदार ही लगता है इंसान को, बाकी सब तजुर्बा ये है ज़िंदगी का, ये किरदार आने जाने वाले हैं और इनमें हकीकत तो है नहीं, असल कुछ भी नहीं है, और जो असल है वही आखिरी है, और वो किरदार जो है उसी की तलाश में आदमी जू जू उम्र गुजरती जाती है, तू तू उसके करीब होता जाता है। हकीकत का जो लाइफ अचीवमेंट है उसकी तलाश सबको होती है, आपको भी है, ये सारे जगमगाते सितारे जो हैं इनको भी अगर नहीं है तो हो जाएगी, मुझे हो चुकी है। कवि साहब नई ज़िंदगी मिले तो क्या यही रोल निभाएंगे जो निभाते आए हैं, या ज़िंदगी को बिल्कुल नए अंदाज़ में चलाएंगे? अगर नई ज़िंदगी मिलेगी और मेरे हिस्से में यही कुछ आएगा तो इसको बहुत ही बेहतर और आला तरीके से निभाने की कोशिश करूँगा। कवि साहब, ज़िंदगी में सबसे बड़ा अजीम काम कौन सा किया और ग़लती कौन सी की? गलती ये कि जो आज मैं सोच रहा था कि इंसान को जब वो अपने शऊर में आने के बाद एक दूसरी सीढ़ी अपनाता है और कदम रखता है, और शादी के बाद वो तवज्जो देता है, कितनी देता है कितनी नहीं देता है, वो कौन सा हिस्सा है जिसमें उसको बेपनाह तवज्जो अपनी नस्ल की तरफ देनी चाहिए? बच्चा 14-15 साल का हो जाए तो 25 साल तक माँ बाप को पूरी तवज्जो, वो 10 साल ज़िंदगी के उन बच्चों को दे दें जो आगे जाकर उनके नाम को रोशन करें। आपने दिया उतना वक्त के नहीं? दे तो नहीं सका, लेकिन एक बात तो कर रहा हूँ, ये बात अगर आपके तुफैल ही पहुँच जाए बहुत से लोगों पर और एक भी अमल कर ले उस पर तो सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा अपनी ज़िंदगी का कारनामा क्या समझते हैं? कुछ नहीं, नथिंग, तलाश में हूँ उस लम्हे की जब कोई कहे तेरा ये सजदा कबूल हो गया और तूने जो कुछ किया हमने कबूल किया, उसकी तलाश में बस, बाकी तो सब है ही बकवास। कितना स्टार, कितना बड़ा, कितना क्या, क्या नाम, क्या वो क्या है यार, चले जाना है बस, यही देखते हुए ज़िंदगी गुजरी। वो सब्र और शुक्र वाली बात जो है ना, अगर वो ना होती तो कुछ भी ना होता। थैंक यू।